चुरा मेरी मच्च पम्मट काना वेर मन सिखा पदो सम ऑडियो मी तुरा मेरी मच्च पमड काना वेर सिखा पदो सम ऑडियो सुधीर सर जी सर सुधीर जी आइए सुधी सर आज बड़ी अच्छी बात हो गई एक महाराष्ट्र के लिए सर हमारी पांच जगह पर मीटिंग हो गई सर नागपुर में हुई जलगांव में भी और कर्नाटक में बीडर में भी हो गई एक औरंगाबाद में हो गई आज 62 लोग जुड़े हैं सर महाराष्ट्र से उसमें से 40 लोग नए हैं आज तो आप जरा सर कंसेप्ट करोगे तो बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात होगी सर बिल्कुल हाँ, वेल सर आप करोगे या फिर सुधीर राज सर प्लीज आप सुधीर सुधीर जी करेंगे मैं उनको इनवाइट करता हूँ सारे जो लोग नए जुड़े हैं ना वो उनको बोलो सारे अपने चैट बॉक्स में नाम डाल नंबर डाल दे प्लीज हाँ हाँ उसके बाद सुधीर राज सिंह सर के बाद मैं उनसे परिचय करा दूंगा आप परिचय भी कराओ लेकिन नंबर डाल दें मैं अनुरोध करता हूं हमारा से, से जो सभी सभी साथी जुड़े हैं उनको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए हो सकता है कि वक्त की वजह से हमारी सबकी पहचान नहीं हो पाएगी तो कम से कम अपना नंबर नाम और नंबर छोड़ दीजिए प्लीज सभी को रिक्वेस्ट सुधीर राज सिंह सर प्लीज जी आज हमारे लिए खुशी की बहुत सारी बातें हैं उनमें जो सबसे बड़ी खुशी की बात है वो ये है कि आज का दिन बड़ा शुभ है शुभ नहीं शुभ शय हमारे यहां नहीं होता शय पाली में नहीं होता ये जो समण संघ है इसको भी लोगों ने घचीट के पचीट के संस्कारित करके श्रमण कर दिया और शरमण करके कहने लगे कि ये श्रम करने वालों का है अरे राजाओं का संग है ये श्रमवरम तुम करो भैया हम तो राजा हैं हम तो सम्राट अशोक हैं हम तो बुद्ध जैसे विश्व गुरु के संतान हैं वो हमारे पिता में हैं हम तो अशोक सम्राट जैसे चक्रवर्ती महाभारत बनाने वाले की संतान हैं श्रम करेंगे अपने लिए करेंगे तुम्हारे लिए थोड़ी करेंगे तो ये जो दिन है आज का इसको शुभ शनिवार अभी बोलते हैं मगर ये शुभ शनिवार कैसे पड़ा जिसको शनिवार से शनिवार कह दिया वो कैसे पड़ा और यहां हम क्यों उसको और ये इंटरनेशनल डे भी है यानी कि इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं वो शुभ शनिवार को आते हैं तो पूरे जो हमारी जमात है पूरा जो पूरे लोग इकट्ठे होते हैं वो क्यों होते हैं क्योंकि ये इकट्ठे होने की आदत हमारे खून में है और ये आदत बुद्ध से पहले की है और बुद्ध से पहले जब हम मानव थे तब की है और मानव से पहले जब हम बंदर थे तब की आदत है यानी कि जब से हमारी चेतना आई है सबसे पहला काम हमने इकट्ठा होने का किया और लगातार लगातार इकट्ठे रहे इकट्ठे रहे इकट्ठे रहे इकट्ठे होते रहे और जब चेतना आ गई तो इसका एक नाम पड़ गया सन्नीपात पात बाहुल ये सन्नीपात बाहुल हमारी जो हिस्ट्री है जो पत्थरों में लिखी हुई है जो सम्राट अशोक ने लिखवाई है जिसको त्रिपिटक बोलते हैं जिसको बुद्ध का साहित्य बोलते हैं और भारत के अंदर जो इतिहास है वो बुद्ध से आरंभ होता है बुद्ध से पहले को बोलते हैं पुराण पुराना है बुद्ध से पहले को इतिहास नहीं बोलते इतिहास का जो आरंभ है वो बुद्ध से होता है क्योंकि लिखित एविडेंस पत्थरों के एविडेंस इतिहास उससे चलता है इतिहास यानी जिसका ह्रास हो गया हो हास हो गया हो जिसका जो खत्म होता जा रहा हो और जो बचा हुआ उसको इतिहास बोलते हैं तो पत्थर थे जो सलाह बनवाई जो पूरे के पूरे बुद्ध ने सलाएं बनवाई जो भोजनालय बनवाए जो विश्राम गृह बनवाए 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 जो बन जो बन जो 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 सराय बनवाई होटल जानवरों के के मनुष्य जगह जगह उसने अपने राज आज्ञा के पत्थर लिखवाए उनका हरास हुआ यानी कि वो जो घटते घटते चले गए वो जो इति है उस इको इतिहास बोलते हैं पाली के अंदर तो इतिहास वहां से आरंभ होता है जहां से सबूत मिलते हैं और सबूत मिलते हैं बुद्ध से और अशोक से तो वो जो लोग जो इकट्ठा हुआ करते थे पहले उसका एक नाम दिया सन्नी पात बाहु। हम कहते हैं सन्नी कटाजा सन्नी कटाने का मतलब है पास आके बैठ जा न्यों सन्नी सिन्नो मलु एक, जो बुद्ध ने बताई हुई गाथाएं उसके अंदर भी आता है यानी कि वो बोधी बस के नीचे बैठे हुए हैं साथ में है। तो सन्नीपात यानी कि सम्मेलन यानी कि इकट्ठा होना और बहुल माने अधिकतर लोगों का उस दिन जब हम इकट्ठा हुआ करते थे जो बाहर के लोग आए जो समण लोग नहीं थे वो लोग इस दिन से बहुत घबराते थे कह रहे आज फिर इकट्ठा होंगे भाई अब इनको कुछ मत बोलो क्योंकि जितने भी गड़बड़ के काम किए हैं वो सब इकट्ठा होके और हिसाब किताब बना के रणनीति बना के पूरा कर लेंगे तो उस दिन को सन्नीपात बाहुल बोला करते थे और सन्नीपात माहौल में सारे लोग इकट्ठे होते थे और कोई नेता नहीं होता था वहीं हाथ की हाथ किसी को कह दिया कि आज सभा तू चलाएगा बस सभा चलाने के लिए फिर किसी कहते हैं हाँ भाई क्या बात हुई बताओ सन्नीपात बहाल हुआ है कोई किसी को समस्या आई तो कहता था बीमारी है या कहता था मेरी फसल में पानी नहीं है सूख रही है या कहता था कि वहां एक जानवर बड़ा खतरनाक है वो मारा नहीं गया वो परेशान कर रहा है हमारे जो पालतू जानवर उनको मार रहा है या कह दिया कि बच्चे नालायक हो गए वो आजकल उधम ज्यादा मचा रहे हैं इस समस्याएं महिलाओं की बच्चों की सबकी साथ बैठते थे और इसको पूरा करते थे तो सब अपना खाना लेके आते थे तो कोई नेता नहीं उसमें तो निर्णय होते थे आपस में जब सारे लोग जिस पे सहमत होते थे उस पर निर्णय होते थे इसको आज के समय चौपाल बोलते हैं और हम इसको जो यहां बैठे हुए हैं वो जूम मीटिंग बोलते हैं बस नाम बदल गया है काम वही चल रहा है तो वो जो सन्नी पात बाहुल का दिन था उससे जो लोग घबराते थे तो उन्होंने हमारे सन्नी को सह से हटा के शय कर दिया ये शय शब्द जो आया है ये यरूशलम से आया है इसराइल से आया है ये अंग्रेजों से आया है ये उधर जो लोग जो शय ज्यादा बोलते हैं उनसे आया है हमारे यहां स होता था बस एक सह सटकोण वाला भी नहीं और सह सलजम वाला भी नहीं विषय वाला भी सह नहीं बस एक होता था समण वाला जिसमें सह लिखा हुआ है तो वो जो सह को हटा के उन्होंने शह किया तो सन्नी हो गया सन्नीपात से सन्नी चरिया हो गया और सन्नी चरिया चरिया उसको बोलते हैं दिनचर्या कैसी है चरिया बोलते थे चरिया से चरिया कर दिया आधार बना दिया और फिर इसको सन्नी चरिया से सनीचर कर दिया यहां तक तो ठीक था और फिर ये कह दिया कि ये बड़ा मनुष्य दिन है भाई हमारे लोग आपस में मिलते थे तो जिसको परेशानी होती थी उसके लिए मनुष्य था हमारे लिए तो अच्छा है हमारे तो परिवार मिलेंगे हम मिलेंगे हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए तो सारे दिनों से सबसे अच्छा है मगर जिनके लिए खराब था उन्होंने मनुष्य कह दिया और जैसे कि पूरा का पूरा साहित्य बदला शब्द बदले तो इसको शनिवार को उन्होंने शनिचर करके खराब कर दिया है ये हमारा शुभ शनिवार और ऐसे सन्निपात बाहुल के बाद में भी बड़े दिन बने हैं बुद्ध के बाद में जैसे ईसाई लोग हैं वो संडे को मिलते हैं उनका सन्निपात बाहुल संडे को होता है रविवार को होता है और जो बाद में जब कुरान बनी बाद में मोहम्मद सवाई तो उन्होंने भी एक दिन लोगों के मिलने का इकट्ठा किया उसको वो जुम्मा बोलते हैं यानी फ्राइडे बोलते हैं शुक्रवार बोलते हैं हमारी भाषा में उसको शुक्रवार बोलते हैं सुक माने सफेद होता है तो ये जो दिन चलते हैं ये सारे के सारे लोगों में चलते हैं उनके इकट्ठे होने के भाई जब सबके इकट्ठे होने के चलते और हमारा सबसे पहला दिन था इकट्ठा होने का तो वो कहाँ गया वो मनुष किसने कर दिया और हमने मान लिया मतलब बेवकूफ तो हम हैं कि बिना पूछे उसको मनुष्य मान लेते हैं पढ़ते पढ़ते हम है नहीं चलो जिसने पढ़ा बता दिया ये सन्नीपात बाहुल है इसलिए इसको बार बार शुभ शनिवार कहना चाहिए और बड़ा काम इस पर करना चाहिए अच्छा ऐसा देखा गया है कि जब जब हमारा सन्नीपात बाहुल का शुभ शनिवार आता है हमारी संख्या बढ़ जाती है आज भी तीन सौ पहुंच गई तो ये बढ़ जाती है इसका मतलब खून में ये दिन है हमारे में कि हमें मिलना है इतवार को नहीं पहुंचती हमारी उसी दिन जरूर पहुंचती है पता नहीं क्या बात है शायद जो खून जोर मारता है हमारा इसलिए सारे सारे शुभ शनिवार का पुराना दिन निकल के बाहर आ जाता है ये जो शुभ शनिवार है ये हमारा वही दिन है जो बाद में बुद्ध ने और बाद में बुद्ध के बाद और लोगों ने और शनिचर्या में ये लगातार लगातार चलता रहा वीक डे तो बाद में बने हैं सात दिन का हफ्ता तो बाद में बना है हफ्ता जरूर बोला करते थे मगर सात दिन के जो पूरे फिक्स डे हैं हालांकि ये सारे सारे बुद्ध बुद्धिस्ट डे हैं यानी बुद्ध से पहले के पाली भाषा के दिन है इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं उसमें सारे पूरे सातों दिन का जिक्र है कि उसमें क्या है कैसे है क्या क्या नहीं है चूंकि आज धम्म का दिन है और धम्म के दिन में हमें धम्म की क्रांति और धम्म की बातें जरूर बतानी चाहिए कि वो कैसे कैसे होती है उनकी खास बात क्या है आप देखोगे और अच्छी तरह से ध्यान से देखोगे कि जो व्यक्ति सही बात करता है और जो व्यक्ति सच्ची बात करता है और या ये कहें कि जो व्यक्ति संत होता है और सबके वेलफेयर की बात करता है वो कभी गुप्त बात नहीं करता गोपनीय बात नहीं करता उसकी डायरेक्टरी में सीक्रेट बात नहीं होती कोई भी ये ये अच्छी तरह से जान लेना कि जितने भी संत हैं उन्होंने दुनिया में कभी कोई गोपनीय बात नहीं कही कमरे में बंद होकर कोई बात नहीं बताई उन्होंने कभी नहीं कहा कि अंदर कमरे में आ जाओ मैं तुम्हें तो ज्ञान दूंगा उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे अंदर कमरे में आ जाओ और खास तौर से महिलाओं को कि मैं तुम्हें तो कुछ सिखाऊंगा या मैं तुम्हें तो कुछ विधि बताऊंगा या मंत्र बताऊंगा कभी नहीं बुद्ध जैसा व्यक्ति जो संतों में संत और जो विश्व गुरु है उस व्यक्ति का तो जन्म भी खुले में होता है पेड़ों के बीच में और वो जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करता है और जब वो मरता है तो दो पेड़ों के साल के नीचे मरता है पूरा जीवन खुला और इससे भी बात छोड़ो बुद्ध की जो गंधकुटी थी गंधकुटी का मतलब है जिसमें से गंध आती है कुटी माने कुटिया गंध क्यों आती है आपने देखा होगा आपने नवजात बच्चे को देखा होगा जब नवजात बच्चा पैदा होता है तो उसको कभी उसके पास जब आप नाक लेके आओगे तो आपको एक सुगंध मिलेगी खुशबू मिलेगी किसी के घर नवजात बच्चा हो तो वो चेक कर ले तीन महीने का दो महीने का एक महीने का हो तो जो प्योर होता है जो व्यक्ति प्योर हो जाता है या जो जीव प्योर होता है जिसका मन पूरा शुद्ध होता है उसके जितने मल निकल जाते हैं सारे के सारे तो उसके शरीर से एक सुगंध आती है ये सुगंध मैंने जो एक टीचर था उससे भी मैंने महसूस की और मैंने पाया कि ये आती है तो जो सुगंध आती है उसको गंध बोलते थे और जो कुटिया के अंदर बुद्ध के रहने से शुद्ध होने से जो गंध आती थी इसलिए उनकी कुटिया को गंधकुटी बोला करते थे तो गंधकुटी में बिल्कुल शुद्ध रूप से वो रहा करते थे तो गंधकुटी में किसी का आना जाना अलाव नहीं था आनंद आ सकते थे वो भी सिर्फ इसलिए किसी से मिलना है या जुलना से क्योंकि तो बुद्ध को जो बात करनी है गंधकुटी में नहीं करनी है गंधकुटी के बाहर करनी है बुद्ध के सारी की सारी बातें जितनी भी बताई खुले आसमान में खुली सभा में बताएं यहां तक कि चिंचिया जैसी जो औरत थी जिसने बुद्ध पे आरोप लगाया वो भी खुले में वो खुले में क्या बुद्ध सामना करते हैं ऐसा नहीं है कि चिंचिया ने आरोप लगा दिया बुद्ध के ऊपर बुद्ध उसको कहीं कोने में कुटिया में ले गए होंगे तू क्या कर रही है बेटी मेरी इज्जत का सवाल है मैंने ये कमाया है मैं तो बड़ा संत हूं ज्ञान हूं नहीं संत नहीं डरते कभी किसे संत तो दुनिया में जो काम करेगा बिल्कुल खुल्ला में खुल्ला करेगा उसके पास छुपाने के लिए सीक्रेट सर्विस कुछ नहीं होती ना आगे ना पीछे न ना जीते जी और न मरने के बाद उसका अंदर बाहर कुछ नहीं होता वो तो अंदर से और बाहर से एक ही होता उसका अंदर बाहर कुछ नहीं होता ये संत की खास बात है तो बुद्ध ने सारा का सारा जितना भी ज्ञान था वो पॉजिटिव था यानी कि मनुष्य की और जीवों की भलाई के लिए इसलिए सारी बातें खुल के बताते थे और एक एक सब को सबको पेड़ के नीचे या जहां भी है जहां जिसने पूछा यानी कि एक दो आया जो बूढ़ा नाला सुपाड़ा से भगा भगा और जो बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बूढ़ा जो मरने वाला है और जब वो खाना लेने के लिए चारी का बजा रहे थे तो वहीं पड़ गया कि मेरे को तो यही ज्ञान दे दो रास्ते में ज्ञान दे दो तो बुद्ध ने कहा कि आप बिहार चलो वहां ज्ञान देते हैं कि नहीं नहीं पता नहीं आप जीवित रहो पता नहीं मैं मर जाऊं मेरे को तो यही ज्ञान दे दो अभी दे दो तो बुद्ध ने स्थिति देखी कि ये तो वास्तव में मरने वाला है तो उसको ज्ञान दिया बड़ा सिंपल सा ज्ञान दिया क्या किया इसको ध्यान से देख किसको ध्यान से देख अपने मन को ध्यान से देख बस देखना सीख ले ये कहा था देखना सीख ले वो ज्ञानी था वो भी उसने देखना सीखा देखते 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 वो शुद्ध हो गया और बाद में मर भी गया बुद्ध लौट के आए तो कह रहे क्या हुआ कि ये शुद्ध होके मरा है मोक्ष प्राप्त करके मरा है मर गया तो वो जो सारा काम खुले में करते थे वो सारे काम संत करते हैं वैसे ही अगर आप देखोगे सम्राट अशोक ने जितनी भी काम किए खुले खाला किए जब वो संत हो गया जब वो बुद्ध के रास्ते पे बुद्ध के विज्ञान पे बुद्ध की राजनीति पे चलने लगा तो उसने पत्थर पे लिखवा दिया यानी कोई कानून नहीं छुपाया उसने आजकल तो कानून लोग बनाते हैं उसका जिरह नहीं होती उसमें बहस नहीं होती चोरी चोरी पास कर लेते हैं उसको फिर उसमें चेंज कर लेते हैं ना उसने तो उस जमाने में अक्षर बनवाए अक्षर लिखवाए पत्थर पे खुदवाए और कहा ये नियम है सम्राट अशोक के जो बुद्ध के शासन से और जो बुद्ध के संतों के शासन से मैंने सीखे हैं ये नियम है वो नियम दुनिया में पहली बार किसी ने छपवाए जो प्रजा के लिए थे यानी सब खुल्लम खुल्ला कोई चोरी नहीं कोई भी कहीं ऐसा नहीं कबीर साहब कपड़ा बुनते रहते थे कपड़ा बुनते रहते थे और गाते रहते थे और उनके चेले लिखते रहते थे और बीचक बना दिया बीजक मतलब बीज है सही बात का जीने का संत का बीज है कोई चोरी नहीं जिसको फटकारना फटकार दिया जिसको कहना कह दिया कोई डर नहीं कोई लांग लपेट नहीं कपड़ा बिके बिक जाए ना बिकता उभार में जाए पर बात कहनी सच कहनी संतों का ऐसे ही जो गुरु संतो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी हैं उन्होंने जो कहा साफ साफ अपना काम भी करते रहते थे कहते भी रहते थे कोई डर नहीं सारी बातें कही चाहे मृत्यु हो जाए मृत्यु मार भी दिया गया मगर मृत्यु होगी डरे नहीं ये काम चला और बाबा साहब अंबेडकर ने जितना भी काम किया खुल्लम खुल्ला किया और बिल्कुल लोगों को दिखा के किया और चेलन के साथ किया और ना केवल किया लिख के, के गए खूब लिखे गए और ऐसी भाषा में लिखे गए कि कोई उसको बदल ना सके क्योंकि अगर संस्कृत भाषा में या हिंदी में लिख के जाते तो अर्थ का अर्थ भी कर सकते थे तो अंग्रेजी में लिखे गए समझदार थे जानकार थे दुनिया के पहले नंबर के आधुनिक ज्ञाता है कि अंग्रेजी में लिख के जाऊंगा क्योंकि अगर तुम बदल दोगे तो अंग्रेज ठीक कर देगा अंग्रेज क्या कर नहीं अंग्रेजी का वो अपनी अंग्रेजी थोड़ी खराब करेगा तुम्हारी गलत बात करने के लिए तो अंग्रेजी में खराब नहीं हो सकती इसलिए अंग्रेजी में देख गए हमारे लोगों ने ट्रांसलेट कर लिया लगातार चलते रहते हैं सारी बातें खुल्लम खुल्ला है एनाइलेशन ऑफ कास्ट में जाति का बीज नाश में डायनामाइट लगा रहे हैं अगर ग्रंथों को तो खुल्लम खुल्ला कह के जा रहे हैं कि ग्रंथों को डायनामाइट लगा दो अगर किसी का नाम लेके खूब सुना रहे हैं तो ढंग से सुना रहे हैं कोई डर नहीं है सारा काम खुल्लम खुल्ला और पार्लियामेंट में दो साल तक लगातार बहस करके एक, एक, एक बात का जवाब दिया खुल्लम खुल्ला कोई बंद कमरे में समझौता नहीं किया और ना ही बंद कमरे में यह कहा कि मेरी जो मंत्री की जो सीट है वो बच जाए या कहीं कोई समझौता करें या कुछ ऐसा हो जाए जो किया खुल्लम के लिए ये संतों की पहचान है कि संत कभी डरते नहीं और संत हमेशा सच बात कहते हैं क्योंकि लोगों के कल्याण के लिए करते हैं सैतान क्या करता है सैतान कभी खुल्लम खुल्ला बात नहीं करेगा शैतान की सीक्रेट सर्विस होती है सैपान के, सैतान के शैतान के गुप्त कक्ष होते हैं सैतानों का गुप्त भवन होता है सैतानों के गुप्त लोग होते हैं सैतानों के गुप्त चर होते हैं सैतानों के गुप्त विभाग होते हैं और सैतान जो कहता है वो कभी नहीं करता ये सैतानों की पहचान है कि शैतान जो बोल रहा है वो नहीं करेगा वो बोलता कुछ और है करता कुछ और है ये सैतान की पहचान है इसलिए सैतानों को लोग याद नहीं रखते और याद रखते हैं उनको जो संत हैं तो यहां जो हम समण हैं और जो हम संतों की औलाद हैं हम धम्मिक हैं क्योंकि धम्मिक का मतलब अगर आप समझ लोगे तो आप विदा पीपल को अच्छी तरह से समझ लोगे धम्म का मतलब होता है मैं जो धारण करता हूं धै और मैं दो शब्दों को जब जोड़ते हैं तो आधा मैं पाली में लग जाता है जब दो शब्द जुड़ते हैं अलग अलग तरह के तो उसमें आखिरे वाले शब्द को डबल करके लिखते हैं जैसे कम कम का मतलब है करने वाला मैं यानी कम जो काम मैंने किया है कम हो गया ऐसी धम्म होता है तो धम्म का बाद में आधा में हटा के रे कर दिया तो धम्म का मतलब है मैं जो धारण करता हूं वो धम्म है और इसमें जो मैं धारण करने वाला जो मैं हूं वो व्यक्ति नहीं है वो दरअसल जीव भी है व्यक्ति भी है नारी भी है नर भी है पत्थर भी है हवा भी है जितना मटेरियल है वो भी है आग भी है पानी भी है बर्फ भी है पेड़ भी है पौधे भी है इस यूनिवर्स में जितना भी मटेरियल है वो मैं है इसलिए वो जो मटेरियल धारण करता है वो धम्म है और धम्म कभी खत्म नहीं होता धम्म अजय है जब तक मटेरियल रहेगा जब तक धम्म रहेगा वैसे ही जो ये समर संघ है इस समर संघ में ये संत लगातार आते रहेंगे और जाते रहेंगे आते रहेंगे और जाते रहेंगे मगर इनकी पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती ये एक हमेशा काम खुले में करते आए हैं और हमेशा काम खुले में करते रहेंगे ये प्राकृतिक रूप से काम करते हैं ये प्रकृति के आधार पर काम करते हैं छुपाते नहीं है इसीलिए ये समण है इसलिए सारे समण हैं और इसीलिए समर्ण संघ में कोई बात नहीं छुपाई जाती अगर समण संघ में कोई सीक्रेट सर्विस स्टार्ट हो जाए समर्ण संघ में कोई गुप्त बात स्टार्ट हो जाए समर्ण संघ में कोई गुप्त निर्णय लेने शुरू हो जाए समर्ण संघ कोई छुपा के काम करना शुरू हो जाए तो ये समर्ण संघ नहीं रहेगा फिर ये फिर तो ये बमण संघ हो जाएगा क्योंकि संतों ने साफ साफ कहा है छुपाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है क्यों नहीं है छुपाने के लिए देश हमारा सब चीज हमारी लोग हमारे जनसंख्या हमारी बल हमारे नीति हमारी रणनीति हमारी महापुरुष हमारे किससे छुपाएंगे हम अपने लोगों से क्यों छुपाएंगे हम तो जो कम है और जो बाहर से आए हुए हैं और जो चोर हैं वो छुपाएगा हम क्यों छुपाएंगे इसलिए अगर आप छुपाते हो तो आप चोर बन जाते हो आप छुपाते हो तो आप उनमें शामिल हो जाते हो इसलिए समर संघ की सारी की सारी नीति जो कहते हैं यहाँ जो समर्संघ यहां पास करता है और जो समर्थसंघ सबकी सब सहमति से यहां लेके आता है वो प्राकृतिक नीति होती है इसलिए समर संघ की नीतियों पे या समर संघ पे चलने में या समर संघ के अंदर काम करने में कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है अगर कहीं आपको लगे कि ये बात कहीं कुछ और थी पास कुछ और हुई बता कुछ और रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि समर संघ संगठन संग बनता हुआ जा रहा है ये अब संघ नहीं रहा है इसलिए समर संघ सारी बातें वही करेगा जो नेचुरल है और यहां जस्टिस भी वही होंगे जो नेचुरल है यहां आर्टिफिशियल जस्टिस नहीं हो सकते यहाँ आर्टिफिशियल कोई नीति नहीं बन सकती यहाँ कोई ऐसी नीति नहीं ऐसी नीति नहीं बन सकती कि कुछ लोग कुछ पास कर लें चुप चुप पास कर लें और उसके बाद कहते हैं ये हो गया यहाँ जवाब देना पड़ता है और जो लोग सक्रिय रूप से यहाँ काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि यहाँ एक एक बात को छानते हैं या कोई भी बात कुछ भी कह सकता है गलती से अगर कोई बात गलत हो जाए तो उसको दोबारा ले लेते हैं दोबारा ले लेते ले हैं ले 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 ले, कोई जल्दबाजी नहीं है इकट्ठे होने की तो जल्दबाजी है मगर गलत निर्णय करने की कोई जल्दबाजी नहीं है इसलिए नेचुरल प्रोसेस के अंदर आपको कभी भी आर्टिफिशियल चीज लगे तो आप समझ लेना कि यह समर्थन की नीति नहीं है ये इसका चेक है क्यों चेक है इकट्ठा करने के लिए पैसे क्या जरूरत है भाई किसने पैसे लिए कौन से कौन से महापुरुष ने पैसे इकट्ठे किए ना बुद्ध ने किए ना कवि ने किए ना रविदास जी ने किए कौन से संत ने किए किसी को जरूरत क्या है पैसे इकट्ठे करके करोगे क्या लोग इकट्ठे करने हैं तो लोग जब आते हैं तो वो अपना पैसा खर्च करके तो आते हैं जब लोग आते हैं अपने संसाधन से आते हैं लोग अपना खाना खुद लेकर लेके आते हैं उनसे पैसा लेके क्या करोगे तो पैसे की जरूरत नहीं है एक नीति बनाने के लिए एक काम करने के लिए आप नीति बनाने में कौन सा पैसा इकट्ठा करना चाहते हो सारी नीति नेचुरल है अच्छा जिस पैसे की जरूरत पड़ती है कहीं लोग खुद दे देते हैं जैसे कोई सभा लगे कोई मीटिंग लगे उस मीटिंग में ये लगे कि यहां हम तो कुर्सियों में बैठेंगे नीचे नहीं बैठ पाएंगे तो दो अपनी अपनी कुर्सी का पैसा दे दो भाई कोई दिक्कत नहीं है खाना हम नहीं लेके आ सकते खाना हम बाहर से खाएंगे तो जितना पैसा खाने में लगता है दे दो तो कोई किसी का खाए क्यों और कोई किसी को खिलाए क्यों इसलिए सब अपना अपना खाते हैं हाँ किसी के पास खाना नहीं है तो संघ का खाना होता है खाना मिलेगा मगर इस हिसाब से नहीं मिलेगा कि मैंने खिलाया है संघ देगा संघ खिलाएगा तो किसी का एहसान नहीं है उसपे किसी व्यक्ति का एहसान नहीं हो सकता उस उसपे और संघ की तो जिम्मेदारी है कि सबके सुख के लिए काम करता है तो संघ तो देगा तो संघ देता है इसीलिए जो संगत बैठा करती थी और संगत खाना खाती थी वो संगत जो खाना खाती थी वो समाज का खाती थी वो व्यक्ति का खाना नहीं खाती थी इसलिए जो बुद्ध वाली परंपरा है या जो आपने देखा हुआ कुरान के अंदर भी एक परंपरा है कि जिसके अंदर जब खाना दिया जाता है तो एक कलमा पड़ा जाता है या जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ बोलते हैं वो यही पढ़ते हैं कि ये जो खाना है अच्छे मन से दिया गया है और ये पूरे समाज को दान दिया गया है इस तरफ समाज का अधिकार है और समाज इसको स्वीकार करता है तो खाना देने वाला खाना दे तो भी खाना लेने वाला पहले देखता है उसके मन को कि ये जो दे रहा है ठीक से दे रहा है या नहीं दे रहा है ऐसे ही समर्ण संघ में जितने लोग सर्विस देने आ रहे हैं या जो लोग काम करने आ रहे हैं उनके मन को देखा जाता है या उनके मन को टटोल लेते हैं अरे भाई वास्तव में समर्ण संघ की सर्विस करने आ रहा है या कुछ और है भी तेरे मन में कुछ और है तो अपना भी नुकसान करेगा समर्ण संघ का भी नुकसान करेगा तो पहले मन को शुद्ध करके आ पहले मन को अच्छा करके आ यहां ना तो तुझे पॉलिटिक्स मिलेगी ना यहाँ से नेता बन सकता है ना यहाँ पैसा मिलेगा ना यहाँ वाहवाही मिलेगी ना यहाँ पे फोटो खींचने वाली हैं ना यहाँ पे कोई तेरा गुणगान होने वाला है ना तेरी यहाँ मूर्तियां बनने वाली है ना तेरे यहाँ झंडे गढ़ने वाले हैं ना तेरे मरने के बाद में यहाँ पे दस लाख लोग तेरी अर्थी में जाने वाले हैं लोगों को ये भी होता है कि मैं इसलिए काम करूं कि मरूंगा तो दस लाख लोग मेरी अर्थी में जाएंगे ना वो काम होने वाला है ये तो संघ है भैया यहाँ तो हजार लोग आएंगे मरेंगे चले जाएंगे ये तो चलता रहेगा ये तो निरंतर चलता रहता है इसकी तो कंटिन्यूटी लगातार होती रहती है पहले से चलती आ रही है इसलिए संघ के पुराने नियम बहुत कमाल के नियम है आपने संघ में कभी देखा ही नहीं होगा कि संघ का ये नायक है फिर दूसरा नायक है फिर तीसरा नायक है फिर चौथा नेता है फिर पांचवा नेता है छठा नेता है संघों के नेता नहीं होते अगर संघ के नेता होते तो कम से कम आपके पास में दस हजार मूर्तियां होती दस हजार महापुरुष होते दस हजार लोग होते तो बुद्ध जैसा व्यक्ति भी संघ का नायक नहीं है कोई मूर्ख कहे कि संघ का नायक है कब कहा कहीं लिखा हुआ नहीं है कहीं कुछ नहीं है तो बुद्ध के पास में लोग आए कि इसकी गद्दी हमको दे दो आजकल जो लोग चलाते हैं गद्दियां गद्दियां चलती हैं तेरी गद्दी तेरे नीचे कोई और लेगा तेरी गद्दी कोई और लेगा गद्दी क्या है वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो संघ कभी प्रॉपर्टी नहीं बनाता बताओ अगर बुद्ध ने कोई प्रॉपर्टी बनाई हो तो कहां है अगर बुद्ध ने कोई संघ में प्रॉपर्टी बनाई हो या सम्राट अशोक ने कोई प्रॉपर्टी बनाई तो कहां गई वो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होनी चाहती संघ के पास में मगर संघ जिंदगी में प्रॉपर्टी नहीं बनाता संघ तो सिर्फ एक काम करता है संघ को पता है कि सारी शक्ति किसी की अगर पास होती है तो वो जनबल में होती है कोई भी काम करोगे तो किसके लिए करोगे जनबल के लिए करोगे जैसे मैं मान लो बहुत ताकतवर हूं तानाशाही हो गया तो क्या काम करूंगा लोगों को गुलाम बनाऊंगा लोगों को गुलाम बनाने में मुझे सुख प्राप्त होगा तो मैं लोगों को गुलाम बनाऊंगा तो लोगों को गुलाम बना रहा है जमीन जायदाद को गुलाम नहीं बना रहा है तो लोगों को गुलाम बनाने का तो काम सारा लोगों से चलता है जन से चलता है इसलिए जनबल सबसे सुप्रीम शक्ति होती है अच्छा जिसके पास जितने ज्यादा जन हैं जितने ज्यादा लोग हैं वो उतना ज्यादा शक्तिशाली यानी कि अगर हमारे पास 120 करोड़ लोग हैं तो हम भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और किसी के पास में पंद्रह करोड़ लोग हैं तो वो हमारे सामने बहुत कमजोर है तो चलेगी एक करोड़ लोग भी क्योंकि की चलती है तो जन बल इकट्ठा करने का काम बहुत दिनों से रुका पड़ा है चार पांच साल से रुका पड़ा है जब से जनबल इकट्ठा करने का काम रुका है तब से हमारा काम खत्म हुआ है तो लोग कह सकते हैं जी कि बल का काम कैसे इकट्ठा करने से रुका हुआ है इसलिए कि वो लोग पहचान गए जो लोग संख्या में कम थे कि इनकी जो शक्ति है वो इनके संघ में है वो जान गए इनकी जो शक्ति है वो जो लोग ये इकट्ठे हैं एक साथ उसमें है अगर इनकी शक्ति को खत्म करना है तो इनके संघ को खत्म करना है क्योंकि अगर लोग खत्म हो जाएंगे तो इनका सारा माल हमारा हर चीज इनकी हमारी क्योंकि फिर तो ये लड़ेंगे आपस में और ये एक एक करके एक एक करके दे जाएंगे ठीक ऐसे जैसे दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी सारी सारी खा जाता है बस यही काम किया और अफसोस इस बात का है कि इसका ज्ञान भी बुद्ध ने दिया है मतलब उनको तो नहीं दिया मगर उन्होंने पकड़ लिया क्योंकि जब वसाकार जो मंत्री होता है अजाज शत्रु का जब वो आता है वैशाली पे हमला करने के लिए और ये कहता है कि वैशाली जीतनी है और वज्जियों की वैशाली को जीत नहीं पाता अजात जैसा शत्रु अजात शत्रु जैसा राजा कई बार हमले करता है और साधारण लोग वो हरा देते हैं तो वो थक जाता है तो अपने मंत्री वस्ाहकार को भेजता है बुद्ध के पास में कहता है ये कैसे लोग हैं अजात ये कैसे लोग हैं वैशाली के इनमें ना सेना है ना सेनापति है और फिर भी मैं लड़ने आता हूँ और मैं फिट के चला जाता हूँ तो पूछो तो बुद्ध से पूछ के आओ तो बुद्ध जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि हिंसा का मामला है मगर पूछाए प्रसन्न तो देते हैं आनंद को देते हैं तो वो जो एक सूत्र बताते हैं उस सूत्र को उल्टा घुमा दिया वो एक सूत्र ये ये बताते हैं कि जो वज्जी लोग हैं वज्जी लोग हमेशा सन्निपात बाहुल करते हैं और वो लगातार सम्मेलन करते हैं और कोई समस्या आती है तो उस पर बैठ कर विचार करते हैं फिर वो एक निर्णय पर पहुंचते हैं और उस निर्णय को सारे मानते हैं और मानते नहीं है फिर उस पर सारे काम करते हैं जब तक वो ऐसा काम कर, सात नियम बताए थे वैसे मैं एक ही यह बता रहा हूं तो वो जो जब तक ये काम करते रहेंगे तब तक इनकी कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये बात वस्ट जाके अजाज शत्रु को बताता है और अजाज शत्रु वैशाली के अंदर शराब छोड़ देता है वैशाली के अंदर व्यापचार छोड़ देता है वैशाली के अंदर लोगों को फ्री में पैसा देना दे शुरू कर देता है फ्री का पैसा लोगों को पाप में ले जाता है व्यापचार में ले जाता है पैसा ज्यादा आता है तो आदमी कहता है आज पैसा ज्यादा आ गया तो एक दारू की बोतल खरीद लू आज पैसा ज्यादा आ गया तो कुछ नाचने गाने का खरीदू आज पैसा ज्यादा आ गया तो कुछ उल्टा सीधा खरीद फ्री का पैसा आता है तो व्यापचार में लेकर जाता है उसकी वजह से वहां झूठ बोलना शुरू कर दिया लोगों ने उसकी वजह से वहां पर हिंसाएं शुरू हो गई शुरू हो गई फ्री के पैसे की वजह से वो एक फ्री का पैसा और जो वहां पर व्यसाएं भेजी उसकी वजह से वहां लोग टूट गए और उनका संघ बिखर गया ये पांच काम जो पंचशील के जो टूटे वहां पर उससे जो उनका संघ बिखरा तब आजाद शत्रु ने हमला किया तब वैशाली को जीता तो अगर वो अजा शत्रु को ये सूत्र पता ना चलता तो वो कभी जिंदगी में नहीं समझ पाता कि ये लोग इनकी ताकत का है कहाँ नहीं है वही सूत्र को पढ़कर वही सूत्र को पढ़कर लोगों ने हमारे घरों के आगे शराब खाने खोल दिए हमारा खाना छीन लिया ताकि हम झूठ बोलते रहें हिंसा करते रहें हमारी पढ़ाई छीन ली हमारे सारे काम कर दिए और हमें फूट डाली क्योंकि ये पता चल गया कि ये खट्टे सन्नीपात बाहुल करते हैं तो हमारे सन्नीपात को शनिवार को उन्होंने पूरी तरह से मनुष्य कह दिया ताकि हमें इसे नफरत हो जाए हमारी भाषा बदल दी हमारी चीजें बदल दी हमको पता नहीं चला हम अनपढ़ होते चले गए और इससे हम गुलाम होते चले गए संघ हमारा पहले दोस्तों में टूटा फिर चार में फिर आठ में फिर सोलह में बत्तीस में चौसठ में और ऐसे करते 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 छह हजार सात सौ तैतालीस टुकड़ों में जाके रुका फिर बाबा साहब आ गए बाबा साहब समझते थे कि क्या संघ होता है क्या शक्ति होती है इसलिए उन्होंने छ हजार सात सौ तैतालीस टुकड़ों को तीन टुकड़ों में बदल दिया तो उन्होंने तीन टुकड़ों में बदल दिया उन्होंने क्रांति को प्रतिक्रांति बदल दिया तो सामने वाला भी तो तेज है वो भी तो जानता है कि भाई जातियां अगर चली गई और ये एस सी एस टी ओबीसी अपने आप को कहने लगे इन्होंने अगर अपने आप को भंगी चमार धानू कहना बंद नहीं किया इन्होंने चूड़ा चमार कहना बंद नहीं किया तो हम मर जाएंगे इसलिए उसने फिर दोबारा से प्यादे खड़े कर दिए बेवकूफ लोग खड़े कर दिए फिर पैसे फेंक दिए फिर शराब फेंक दी और वो शराब में और पैसे में चक्कर में आकर किसी ने चमार संघ ग्रेट किसी ने चूड़ा संघ ग्रेट किसी ने धानु संघ ग्रेट किसी ने फलाना संघ ग्रेट किसी ने फलाना जाति ग्रेट ऐसे करते करते वो फिर दोबारा से बाबा साहब की मेहनत को खत्म कर दिया तो बाबा साहब जो मेहनत लेके आए थे वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है बाबा साहब का संविधान पानी मांग रहा है क्योंकि सारे लोग अलग अलग हैं छह हजार सात सौ तैतालीस में टूटे थे तब तो कोई बात नहीं मगर उनतीस लाख संगठनों में जो टूटे हुए हैं और चार लाख एक्टिवेट संगठन इनका क्या करें दरअसल मरे तो इनकी वैसे हम ये संगठन आए थे इसलिए कि बाबा साहब के सारे अधिकारों को बचाएंगे और हो उल्टा गया और ये संगठन सारे इस बात को सोचने को तैयार नहीं है समीक्षा करने को तैयार नहीं है समीक्षा करने को तैयार नहीं है अपना एनालिसिस करने को तैयार नहीं है ये बात करने को तैयार नहीं है और तो और इनको यहां जूम पोर्टल पर बुलाते हैं इस पर आने को तैयार नहीं है हम तो पूछे भाई तुम जो संगठन बना रखे हो तो फायदा क्या हुआ जिससे पच्चीस उल्टी सीधी कहानियां सुन लो मगर बात पर नहीं आते कि अधिकार तो सारे चले गए

बाबा साहब के चारों बच्चे चले गए बाबा साहब ने क्रांति की बाबा साहब ने ये किया और फिर कटोरा सामने रख देंगे लाओ बहल साहब इसमें इस डालो दस हजार डॉलर लाओ रवि माहे जी इसमें डालो पंद्रह हजार डॉलर लाओ जी माहे साहब धर्म माहे जी इसमें कुछ डालो आप यहाँ रहते हो आपका फर्ज बनता है ऐसी ऐसी कहानी सुनते हैं अच्छा हमारे देने वाले भी क्योंकि बाबा साहब ने कहा पे बैक टू सोसाइटी वो सोचते नहीं है तो वो कहते हैं अच्छा ले जाओ भैया हमने अपना पूरा फर्ज अदा किया और ले जाओ ज्यादा ले जाओ खूब झोली भर भर के देश से विदेश से खूब रुपया जा रहा है हमारे बहल साहब ने कभी नहीं पूछा भैया समीक्षा करो करते अब तो आज उन्होंने कहा है हम पूछते हैं और भी जो साथी है, वो भी नहीं पूछते अच्छा जा रहे, कभी नहीं पूछते रहे? तो भाई। सारा काम तो चला गया किस बात कटवा रहे हो और अब जब यहां इस बात को कहना शुरू किया कि इनको पैसे जब तक मत दो जब तक ये इकट्ठे ना हो जाए तो अभी परिणाम आने शुरू हो गए आज क्या बोलते हैं मीटिंग में गए थे बहादुर वहां बता रहे थे वहां भारतीय बौद्ध महासभा के लोग नाराज हैं क्योंकि पैसा देना बंद कर दिया है अरे भाई पैसा देना कर दिया है तो नाराज क्यों हो धम्म का पैसे से क्या लेना देना तुम क्या पंडित जी की तरह क्या पर्ची काटते हो कि पांच सौ एक रुपये दक्षिणा में दो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या भगवान बुद्ध ने कब कहा था कि भाई धम सीखो और पैसा देना पड़ेगा भाई तुम कैसे धम्माचारी हो तुम कैसे धम सिखाने वाले हो तुम्हारा काम है धम सिखाने का सिखाओ उसमें पैसा लेने की क्या जरूरत पड़ी है क्या करोगे पैसा लेके कोई कहने वाला नहीं कोई सुनने वाला नहीं जिसको पैसे देते जा रहे हैं वही हमारा बेड़ा करता जा रहा है वही हमारी करता जा रहा है तो ये सारा सारा मंजर देख के ये समझ में आ गया कि भाई मर जाएंगे हम तो हम ना बचे किसी भी हालत में दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती मगर एक चीज बचा सकती है अत्तदीपो भाव अपने अपने जागरूक खुद बन जाओ अपनी जानकारी खुद इकट्ठी करो अपना काम खुद करो नेताओं के भरोसे मत रहो भाई ये तो खुद तुम्हारे भरोसे हैं इनको तुम चंदा नहीं दोगे ये वैसे मर जाएंगे तो अपने भरोसे आ गए तो अपने भरोसे आ गए तो सबसे बात करना शुरू किया बहल साहब मिले थे वहां पर बहल साहब ने बताया और भी बहुत सारे साथी होते बहन सा भी बात कर रहे हैं हम भी बात कर रहे हैं अब तो बहुत लोग बात कर रहे हैं अब तो सबको समझ में आता जा रहा है यही तरीका है बस हमारे पास में कि बात करनी है बताना है बात माने ना माने उसकी चिंता मत करो सामने वाला माने ना माने बात तो कहो बात तो कहना चाहिए कहते रहना चाहिए सुनाते रहना चाहिए और जिन जिन संगठनों में लोग जुड़े हैं उनसे कहना चाहिए इकट्ठे हो जाओ भाई इकट्ठे हो जाओ भाई इकट्ठे हो जाओ और पैसे मांगे तो कहना पैसे बाद में मिलेंगे पहले इकट्ठे हो जाओ पैसे को मना नहीं करते हालांकि बाबा साहब ने पे बैक टू सोसाइटी कहा है सोसाइटी को देना है पे बैक कहा है सोसाइटी में संगठन में जमीन आसमान का अंतर है सोसाइटी पूरा संघ और समाज होता है और जो संगठन है वो तो बहुत सारे हैं अब बाबा साहब ने किसको कहा है कि पे बैक टू संगठन कौन से संगठन को दें कोई पूछ ले तो बताए भाई बाबा साहब ने कहीं लिखा तो बता दो किस संगठन को दें क्या उनतीस लाख संगठनों को दें क्या चार लाख संगठनों को दें क्या, तो दें? क्या ये जाति के संगठन बने इनको दें या ये के हजारों संगठन बने इनको दें या सरकारी कर्मचारी के जो लाखों संगठन किसको दें किस पे बाबा साहब का आदेश माने कोई पूछता नहीं कोई पूछता नहीं इसलिए इसलिए हमारी जो हल खराब हुई है अगर हम पूछते रहते पूछते रहते पूछते रहते तो बात बन जाती और हमारे जो नेता है वो क्या कहते हैं अरे भाई ये सरकार से कोई पूछता नहीं है इसलिए सरकार ऐसी हो गई है अरे सरकार को तो इधर रखो साइड में भाई पहले तुम तो बताओ कि तुमसे पूछते हैं जिसने भी संगठन में जिससे पूछा उसको निकाल देते हैं या तो बेचती करके या फटकार के या ऐसे करके सही बात नहीं बताते क्या है क्या नहीं इसलिए समर संघ प्राकृतिक है नेचर ने बनाया है हमारे महापुरुष ने बनाया है और इसमें छुपाने के लिए कुछ नहीं है ये ध्यान रखना और कोई भी व्यक्ति इसमें जासूस बनने का या चालाक बनने का या गोपनीय बात करने का या गोपनीय चीज रखने का या गोपनीय माहौल बनाने का या कोई बंद कमरे में बात करने का या कान में बात करने का या फोन पर अलग से बात करने का या किसी को भड़काने का या किसी को थड़काने का ये काम ना करे ये समण घात होता है ये समण लोगों के साथ घात है जो कहना खुल के कहो यहाँ सोमवार को एक सभा लगती है वो समण लोग में जो ज्यादा एक्टिव लोग हैं जिनको स्पोक्स बोलते हैं उनके लिए लगती है जो कहना वहां कहो खुल के कहो कोई दिक्कत नहीं है और जो एक्टिव आदमी नहीं है जो समर्ण में नॉर्मल मेंबर है वो यहाँ जो छह दिन सभा लगती है उसमें कहे आज कह सकता है कि मेरे दिल में ये बात है लोग जवाब देंगे तो यहाँ दो तरह के लोग हैं समण के अंदर एक वो है जो एक्टिव काम कर रहे हैं जैसे बहल साहब कर रहे हैं जैसे रवि माह जी कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूं जैसे यहाँ जितने ये हॉस्ट बने कोस्ट बने ऐसे ऐसे करीब 600 लोग आ चुके हैं 600 लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं और बाकी लोग देख रहे हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, हैं। जब उनको समझ में आ जाता है तो वो कहते हैं एक्टिव काम करेंगे उसमें जुड़ जाते हैं तो छब्बीस तारीख से समर संघ आपको पूरी जानकारी देगा जैसे जानकारी पहले बुद्ध दिया करते थे जैसे हमारे महापुरुष देते थे क्या जानकारी देते थे सारे सारे लोग बैठे और बताते थे कि धम का इतना काम हुआ इतने समर्ण बने इतने सामने बने इतने भिक्खु हैं वहां ऐसी बात हुई वहां ऐसी बात हुई उससे पहले जो साधारण लोग थे जो भिक्खू नहीं थे वो बैठते थे सन्नीपात करते थे वो बताते थे कि हमारे पास इतना धान है इतना दही है किसी को चाहिए तो ले लो भाई किसी का कुछ काम आता तो ले लो हमारे पास ये चीजें तो सारी बात बताते थे, थे वहां छुपाव नहीं होता था तो वैसे ही समर संघ में कितना काम हुआ है कैसा काम हुआ है किसने कितना किया है कौन नहीं कर रहा है कौन कैसे कर रहा है कहाँ गलती हो रही है कहाँ हमें दिक्कत आ रही है कहाँ समस्या आई है कैसे कितने हम आगे बढ़ गए वो आपको हर छब्बीस जनवरी से छब्बीस जनवरी को बताया जाएगा और छब्बीस जनवरी को बड़ा दिन है क्योंकि जैसा कि रवि माहजी ने कहा है कि छब्बीस जनवरी विदेशी सारे लोग जितने भी हमारे एनआरआई समण है वो सबके सब और हम सब मिलकर छब्बीस जनवरी मनाएंगे हमारे लिए बड़ा दिन है वो बहुत बिग दिन है तो छब्बीस जनवरी को ज्यादा होगा इस पोर्टल की संख्या पांच तक है पांच तक आ गई तो ठीक है अपना फिर हजार करवा लेंगे थोड़ा खर्चा ज्यादा है कोई समस्या नहीं है तो वो जो छब्बीस जनवरी का दिन है वो मनाएंगे तो छब्बीस जनवरी के बाद में हर संडे को आपको जानकारी मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि आपका जो काम है वो काम किसी छुपा हुआ नहीं है इसके अलावा समर संघ के अंदर बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो रहा है रजिस्टर बनना है कि किसने कितना काम किया कहां कहां किया कौन कैसे कर रहा है कौन नहीं कर रहा है तो वो भी सबको बताया जाएगा हर चीज यहां डिक्लेयर होगी हर चीज यहां ओपन होगी डरने की और छुपाने की कोई बात नहीं है जो सच्चे होते हैं जो अच्छे होते हैं और जो जुड़े हुए होते हैं और जो संख्या में ज्यादा होते हैं उनसे लोग डरते हैं लोगों से वो नहीं डरते इसलिए संख्या बढ़ानी है इकट्ठा होना है जुड़ना है और सच बात कहनी है छुपाना ना हमारे महापुरुष ने कभी कुछ छुपाया और ना हमें छुपाने की जरूरत है छुपाते वो है जो संख्या में कम होते हैं और जिनके मन के अंदर मैल होता है और जो पाप करते हैं और जो हिंसा करते हैं और जो जो गोपनीय बात करते हैं और जिनका परिणाम जो सिर्फ विनाश के लिए जीते हैं दुनिया में वो लोग छुपाते हैं क्योंकि उनको ये डर रहता है कि मैंने जो विनाश किया है मैंने जो पाप किया है मैंने जो ये मारकाट मचवाई है मैंने जो हिंसा की है मैंने जो गलत काम किया है अगर किसी को पता चल गया तो मैं मारा जाऊंगा इसलिए वो गोपनीय बात रखते हैं और जो हमारे जैसे समण होते हैं वो तो गलत काम करते नहीं तो गलत काम नहीं करते तो खुल के चलते हैं उनको कोई डर नहीं होता ना मृत्यु से डर होता ना किसे होता वो सिर्फ एक काम करते हैं अपने संघों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं संघे शक्ति होती है वो सब जानते हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे ये बात जानते हैं और ये बात बहुत तेजी से लोगों तक पहुंच रही है और इससे बात नहीं बन रही है जैसे कि आज छह मीटिंग हुई है साउथ के अंदर साउथ दिल्ली के अंदर कटके सरने बताई और एक नॉर्थ के अंदर हरियाणा में हुई है सात मीटिंग हुई है सात से बात नहीं बनेगी हालांकि सात भी बहुत हो गई है एक दिन में सात कहां तो सात दिन में एक नहीं होती थी एक दिन में सात हो गई है मगर फिर भी सात से बात नहीं बनेगी साढ़े सात सौ चालीस सात सौ पैंतालीस के करीब जिले हैं पूरे उसमें तो एक जिले में अगर एक दिन भी हो तो साढ़े सात सौ मीटिंग तो चाहिए क्योंकि संघ आपका बहुत बड़ा है हम क्या करें भाई जब संघ बड़ा है तो काम भी बड़ा करना पड़ेगा इसलिए जो जहां है जो जैसे है चाहे देश में चाहे विदेश में चाहे किसी जिले में चाहे तहसील में चाहे गांव में या कहीं भी जुड़ता रहे जोड़ता रहे जुड़ता रहे जोड़ता रहे जुड़ता रहे जोड़ता रहे, रहे पैसा थोड़ी खर्च होना है इसमें जवान खर्च होनी है शरीर खर्च होना है इस शरीर का करोगे क्या इसे खर्च नहीं करोगे बचा के ले जाओगे तो बीमार हो जाएगा काम करते रहोगे तो जवान रहेगा और सामाजिक काम करते रहोगे तो बच्चे जैसी खुशबू आएगी इसके अंदर से मन शुद्ध हो जाता है कि हमने अपने महापुरुष का कोई काम किया इसलिए लगातार 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 एक ही काम करना है हमारे पास एक ही काम है जिद्द है जुड़ने की जुड़ेंगे जीतेंगे जो जुड़े हैं वो जीते हैं हम भी जीते थे जब जुड़े थे और दो उदाहरण हम हमेशा देते हैं कि दो अप्रैल को हम जब इकट्ठे हुए तो हम जीत गए और जब किसान इकट्ठे हुए तो जीत गए आज तीसरा उदाहरण इसमें जोड़ देते हैं एक कि जब अंग्रेज यहां से भगाए थे तो पहले जुड़े थे हम जो अंग्रेज छोड़ने का जो आंदोलन चला था उसमें हम क्या नारा दे देते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई वो नारा अब नहीं चलता भाई हालांकि वो नारा बहुत तगड़ा है और वो नारा अभी भी चलेगा मगर इस बात को ध्यान रखना कि तब भी हम जुड़े थे तब अंग्रेज गए थे यहां से अगर हम जुड़े हुए नहीं होते तो अंग्रेज नहीं जाते क्योंकि जब हम जुड़ गए तो संघ बन गए संघ बन गए तो चले गए इसलिए अब हमको जहां से दिक्कत आ रही है हमको जुड़ना होगा और लगातार दुनिया को ये बताना होगा कि हम संघ हैं हम संगी हैं और संग और संगी का तो हम हमेशा साथ साथ खेल खेलते हैं क्योंकि हम संगी संगी हैं हम साथ साथ खेलते हैं साथ साथ रहते हैं इसलिए हमको संग संग रहना है संग में रहना है संग संग रहना है संग में रहना है जुड़ना है जीतना है धन्यवाद आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं आप अपने फेसबुक पे अपने पेज पे अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन ले लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूंजी आपकी है धन्यवाद रेण गच्छामि